तो गाइस आप सभी को याद होगा कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था कि हमारी जो फ्रैंकलिन की गर्लफ्रेंड थी उसको किडनैप कर लिया गया था कुछ लोगों के साइड से। तो हम उसे बचा तो लेकर आ गए थे, बहुत बहुत प्यार से बचा लिया था हमने, बट एक दिक्कत हो गई है कि अब उन लोगों ने हमारी जो एक रेड कलर की, तुमने देखा होगा कि हमारी इन्वेंट्री में एक रेड कलर की फरारी गाड़ी थी, उस फरारी को उठवा दिया है। और वो गाड़ी इस टाइम ब्लैक करप्टेड गाड़ी थी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बाहर से मंगाई गई थी कार थी वो, तो उसके पास मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो और अब वो गाड़ी फिलहाल के लिए आर्मी के बेस कैंप में छुपा दी गई है। अब मुझे वही कार को ढूंढ के लेकर आना है यहाँ पर अपने पास तक। और यार इतनी ज़्यादा अच्छी गाड़ी है ना, उसके लिए मैं चाहे मेरी ऑडी हो चाहे मेरी पास जितनी गाड़ियाँ हो, मैं सबकी सब दाव पर लगा दूंगा, बट मेरे को वो गाड़ी ज़रूर चाहिए, क्योंकि उस वाली गाड़ी को ना मैं बहुत ही ज़्यादा ऊँचे दाम पर बेच कर ऐसी हजारों गाड़ियां खरीद सकता हूं। तो जल्दी से चलते हैं अपन उधर की तरफ। और गाइस जिसको भी गेम पसंद आए तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को दबा देना सभी के सभी मेरे भाइयों, लेट्स गो। अभी यहां से चलते हैं, ऑडी हमारे पास है, ऑलरेडी ऑडी चला रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। और यहां पे जैसे घुसते के साथ ही ना मेरे पास सीधा सीधा चार केस लगेंगे, जैसे ही मैं ओके मैं घुस चुका हूं और मेरे ऊपर केस लगना स्टार्ट हो गए हैं। ओके अब यहां से सामने से पुलिस आना स्टार्ट होगी। अरे गाइस आ गई है पुलिस आना स्टार्ट हो चुकी है, लेट्स गो। अभी मेरे को ढूंढनी पड़ेगी मेरी वो गाड़ी किधर छुपा के रखी है इन लोगों ने। मेरे को यहाँ पे सही सबूत मिले थे कि मेरे को लेशर ने बताया था, लेशर भाई बहुत तेज निकल गया, लेशर उनके साथ मिल चुका है, तो उसी ने मेरी गाड़ी फंसवा दी है। क्योंकि वो जो मेरी गाड़ी का पता था ना, सिर्फ उसी बंदे को पता था और किसी को भी नहीं पता था मेरी गाड़ी किधर खड़ी है। और इन लोगों ने मेरी पूरी ऑडी छेद डाली, इनके पास इतनी ज़्यादा डेंजर गन है ना भाई, क्या ही बताएं अपन। बस यहाँ पे इस जगह पे भी नहीं खड़ी यार मेरी फरारी को उन लोगों ने पता नहीं, अरे बापरे छोड़ दो भाई साहब, मेरी फरारी को उन लोगों ने पता नहीं कहाँ छोड़ दिया। ओके मेरे को सामने एक वेयर हाउस सा दिख, अरे यार गाड़ी ठोक रहे हैं लोग। और मेरी पूरी की पूरी जो ऑडी है ना, वो उसका जो बॉडी है वो बुलेट प्रूफ है, लेकिन जो इसके कांच है वो बुलेट प्रूफ नहीं है गाइस। तो मेरे को गोली खानी नहीं है, बचना है अपने आप को। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से फरारी खड़ी है, क्योंकि वहां से मैंने देखा उतनी दूर से मेरे को कुछ ओके यहाँ पे गाड़ियां खड़ी है गाइस, मेरी काफी ज्यादा गाड़ियां हैं। जिन्होंने पूरी की पूरी गाड़ियां चुराई है ना, वो सभी के सभी यहीं पर हैं। तो आर्मी की सिक्योरिटी में इन सभी को मैं गोली मार देता हूँ जल्दी से, एक बार ट्राई करते हैं, उसके बाद में लेकर अपनी फरारी को भाग जाऊंगा यहाँ से। और गाइस जिसको भी गेम पसंद आ रहा है तो दिए हुए लाइक के बटन को दबाना जरूर फटाफट से। और गाइस एक बात बताना, अभी मैं तुमसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, तो सभी के सभी उस चीज का आंसर देंगे मेरे को कि मैं उस फरारी को कितने रुपए में बेचूं, मेरे को एक बार सभी के सभी बताओगे, ठीक है? एक बार उस फरारी का लुक देख लो, फिर उसके बाद लेट्स गो। अभी मैं चलता हूं, ओ माय गॉड किसी ने मेरी कार फोड़ दी है यहाँ पे। अभी मेरे को जल्दी से भागना पड़ेगा अंदर की तरफ, किसी ने मेरी गाड़ी फोड़ दी है गाइस, मेरे को भाग के जाना पड़ेगा जल्दी से। पीछे एक टैंक भी आ रहा है, मेरे को जल्दी जल्दी एक कार निकालनी है मेरी वाली जो रेड फरारी है। मेरे को और कोई गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ फरारी से मतलब है और एक भी गाड़ी से मतलब नहीं है। वो देखो रेड कलर की खड़ी है पीछे, तो इन सभी को भी मार देते हैं। यहाँ पे भी एक कमांडो खड़ा हुआ है और यहाँ पे ये बंदा डीलिंग करा रहा था। ओके ये है गाइस हमारी सारी की सारी गाड़ियाँ और ये मेरी फरारी। अरे भाई साहब यहाँ पे टैंक भी आ गया है, मेरी टैंक ने सारी गाड़ियां फोड़ दी है, बट मेरी फरारी अभी भी बाकी है। मैं जल्दी से बैठ जाता हूँ गाइस फटाक से। अभी टैंक वो वाला जो था ना, उसको तो मैंने ब्लास्ट कर दिया, बट इसको पता नहीं कैसे यहाँ से निकालूंगा, मेरे को नहीं पता यार। इन टैंकों का निशाना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, लिटरली भाई बहुत ओपी निशाना होता है इन लोगों का। ओ माय गॉड मैं बच जाऊँ प्लीज़ बस यहाँ से। ओके मैंने यहाँ से अपनी फरारी निकाल लिया गाइस, अब यहाँ से निकलने की ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी। और इस वाली फरारी के ऊपर किसका नाम आएगा मेरे को बताना जरूर कमेंट सेशन में। और जल्दी से चलिए सभी के सभी जितने भाइयों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, जल्दी से एक लाइक का बटन दबा दो। मैं पीछे करता हूँ और इस फरारी को यहाँ से बस कैसे भी करके निकाल लूँ भाई। बहुत महंगी कार है ये, बहुत महंगी गाड़ी है, इसको बिल्कुल नहीं खो सकता। सामने से बहुत सारे राइनो टैंक्स आ रहे हैं। ओ माय गॉड डैम भाई इन लोगों ने पूरी गाड़ी छेद डाली है मेरी, मेरी गाड़ी का बहुत बुरा हाल हो गया है। मैं बस जगह ढूंढ रहा हूँ जिधर से मैं इसको निकाल सकूँ गाइस। यहाँ पे देख सकते हो तुमने इन लोगों ने मेरी गाड़ी का क्या हाल करा है। बट अभी पता है क्या सीन है, इसकी इंजन और बाकी सब कुछ डैमेज नहीं हुआ, इसकी बस बॉडी थोड़ी बहुत टूट गई है, वो ठीक है, वो अपने को चलेगा। अभी यार मेरे को ना यहाँ से निकलने तो ये लोग देने वाले हैं नहीं, तो मेरे पास एक आइडिया है कि मैंने ना एक जगह पर ऑलरेडी, मेरे को पता था यही चीज़ होगी, तो मैंने ऑलरेडी एक जगह पर एक बुलेट प्रूफ ट्रक खड़ा कर रखा है। तो उस ट्रक के अंदर इस गाड़ी को लोड करेंगे, उसके बाद हम इसको लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। और एक ऐसी लोकेशन है जिधर ये पुलिस वाले भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, तो ये रहा लोकेशन, रुक जाओ यहाँ पे है वो लोकेशन, एक सेकेंड, इस जगह पे लोकेशन है गाइस, लेट्स गो। अब यहाँ पे हम भागाते हैं गाड़ी फुल स्पीड में और उस ट्रक के अंदर लोड कर देंगे। और ट्रक के अंदर लोड करने के बाद
मुझे ये लोग टच भी नहीं कर पाएंगे ना मेरी कार को टच कर पाएंगे, तो मैं बस यहाँ से भागने का काम है मेरा। चलिए चलिए यहाँ से कैसे, अरे भाई साहब कैसे कूदाते हुए लेकर आ रहे हैं गाइस, ये लोग मेरा पीछा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मेरा पीछा बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस। अब मैं कैसे भी करके यहाँ से बस ना निकलना चाहता हूँ। ओके ओके मेरे को यहाँ से कूद कूद के जाना पड़ेगा यार, और कोई रास्ता नहीं है यार इस फरारी को ले जाने का, और कोई भी रास्ता नहीं है गाइस, एक भी रास्ता नहीं है। अगर मेन रोड से जाऊँगा, थोड़ी सी टूट गई है तो टूट गई, कोई चक्कर नहीं, मैं इसको ठीक करा लूँगा, बट यार इसका जो पार्ट्स है ना वो मेरे को ईजिली मिल नहीं सकते। मैं ट्राई करूँगा इसको ठीक कराने की। चलो एक बार ऊपर चलते हैं फटाफट से इस गाड़ी को, इस वाले कंटेनर में लोड कर देता हूँ मैं। लेट्स गो गाइस अंदर की तरफ ले जाकर इसे यहाँ पे खड़ी करके लोड कर दिया है मैंने। लेट्स गो, अब ये पूरा का पूरा जो, ओ भाई साहब ये जो पूरा ट्रक है ना बड़ा वाला, ये पूरा बुलेट प्रूफ ट्रक है, और इसके सामने कोई भी गाड़ी कोई भी टैंक कुछ भी नहीं है, सबके सब ऐसे ही हैं इसके सामने, बट बुलेट प्रूफ है, बॉम्ब प्रूफ है, और क्या ही चाहिए अपने को, बस अपनी फरारी के लिए ये वाला बॉम्ब ब्लास्ट वाला ये वाला चाहिए था ट्रक, तो हमने परचेज करा इसको अलग से, क्योंकि वो वाली गाड़ी ऐसे सेफली वहाँ से हम पार नहीं कर सकते थे। जल्दी से यार अब हमें एक और लोकेशन याद होगी तो मैं रशियन माफिया का हुड, रशियन माफिया के हुड पे चला जाऊंगा ना, तो मेरे को ये पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे इन लोगों की नहीं चलती है। तो जल्दी से अपन उधर चलते हैं फटाफट से, ठोकते ठाकते इनको कैसे भी करके निकल जाएंगे। और गाइस जिसको भी गेम पसंद आ रही है तो जल्दी जल्दी एक लाइक का बटन दबा दीजिए सभी के सभी मेरे भाइयों, जिसने नहीं दबाया। अभी थोड़ा सा मैं उल्टा आ गया था तो मेरे को यहाँ से निकलना है, हल्का सा उल्टा आ गया था, बट कोई चक्कर नहीं गाइस मैं निकल जाऊँगा। भाई सिविलियन भी इन पुलिस वालों का साथ दे रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैंने एक गाड़ी चुराई गाइस, ये गाड़ी मेरी ही थी बट लेकिन ये पुलिस वालों ने यहाँ पे चुरा के रख लिया, और ये चुरवाई इस लेशर के बच्चे ने है। लेशर बहुत ज़्यादा हरामी हो रहा है क्योंकि उसने मेरी गाड़ी एक नहीं पूरी पांच गाड़ियाँ उठवा दी है, पूरी पांच गाड़ियाँ, बट मेरे को उन पांच गाड़ियों से ज़्यादा महंगी एक मेरी फरारी थी। और गाइस अभी मैं तुम्हें इस लास्ट लोकेशन पे भी ले जाऊँगा, और वहाँ पे आप सभी मेरे को इस गाड़ी का प्राइस बताओगे कि मैं इसे कितने में सेल करूँ उस जगह पे ले जाके, एक कार मार्केट है तो उधर ले जाके इसे सेल करा जाएगा, तो मैं अभी दिखाऊंगा वो चीज़ भी। बस जल्दी जल्दी से यहाँ ये रोड सीधा, इस रोड को पकड़ के सीधा चलना अपने को बस, और उसके बाद हम अपने होड पे आ जाएंगे रशियन माफिया के। लेट्स गो बस, और ये पूरा का पूरा जो ट्रक है ना गाइस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रक है, इसके सामने कोई गाड़ी नहीं टिक सकती यार, देख रहे सबको ठोकते हुए निकल रहा है, चाहे कितनी बड़ी गाड़ी हो चाहे कितनी बड़ी गाड़ी हो सबको ठोक दूंगा गाइस मैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके लिए। ओके ये हुई ना बात, और जिसको भी गेम पसंद आ रही तो यार नीचे दिए हुए लाइक के बटन को दबा दो सारे के सारे मेरे भाइयों फटाफट से, और जिसने शेयर नहीं करा तो वो भी शेयर भी कर देना सारे के सारे। तो लेट्स गो यहाँ से ट्राई भाई साहब, ओ नो गाइस मेरा पीछे से इन्होंने तोड़ दिया, मेरे शीशे पर गोलियाँ बरसाए जा रहे हैं, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ से पुलिस हट जाएगी, इस जगह से पुलिस हट जाएगी क्योंकि यहाँ पे रशियन माफिया का हुड स्टार्ट हो जाता है। एक सेकंड अभी हटेगी, दो मिनट रुक जाओ बस, यहाँ पे हटना स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा और आगे है। ओके लो गाइस यहाँ पे पुलिस हमारे सामने से हट गई है, गोली मार रही है बट लेकिन अभी हट जा देंगे, बस आ ही चुके हैं हम ना रशियन माफिया के हुड, इसके बाद ये लोग मुझे नहीं जानते मैं इनको नहीं जानता। देख लो गाइस पुलिस अभी यहाँ से हट चुकी है, अब ये लोग ना मुझे जानते, और ये वाला छोटे गेट से हम निकल सकते हैं क्या यार, ये छोटे गेट से मैं निकल जाता काश तो निकाल लेता मैं गाड़ी, बट यहाँ से निकल नहीं सकते मुझे आगे से ही जाना पड़ेगा। चलो मैं आगे से निकालता हूँ, और ये वाली जो गाड़ी है ना अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे दिखती है असली रिपेयरेंस के बाद, ठीक है इसको रिपेयर करा देता हूँ गाइस मैं, उसके बाद तुम्हें गाड़ी दिखाता हूँ। बट इस वाले ट्रक को पूरे के पूरे अपने गार्डन में पार्क करना है, और ये बहुत बड़ा ट्रक है, लिटरली छोटा मोटा ट्रक नहीं है गाइस, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, इसके अंदर चाहे कोई सी भी गाड़ी हो चाहे कोई भी आदमी हो सबके सब सिक्योर रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना बॉम्ब फटता है ना गोलियां चलती हैं। ओके तो ये मेरा है एक ग्रीन पार्क गाइस, इधर मेरे को ये गाड़ी खड़ी करनी है, तो जल्दी से यहाँ पे अपनी कार खड़ी करता हूँ, और उसके बाद में मेरी जो फरारी है उसको बाहर निकालते हैं। लेट्स गो एक बार चल के फरारी को बाहर निकालते हैं, और गाइस जिसको भी गेम पसंद आए तो दिए हुए लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो ये है मेरी फरारी गाइस, और इस फरारी के लिए ना मैंने बहुत ही ज़्यादा रिस्क उठाया है, बहुत रिस्क उठाया, बट ये कंटेनर ने मेरा बहुत साथ दिया है गाइस, क्योंकि इसके बिना मैं इस कार को ऐसा ज़िंदा यहाँ पे नहीं ला सकता था। उन लोगों के पास ना इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है ना कि वो लोग मेरी गाड़ी को कहीं भी उड़वा सकते हैं, कहीं भी। भाई साहब बहुत ज़बरदस्त कार है, अभी इसको लेके मेरे को यहाँ से निकलना है कैसे भी करके। अरे यार सॉरी ब्रो, मैंने अभी पहली गाड़ी से ही एक मर्डर कर दिया, तो मतलब बलि मिल चुकी है, तो अब गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला है, एकदम परफेक्टली चलेगी। ये हुई ना बात, अभी गाइस बस इसको कैसे भी करके ना अब यहाँ से निकाल के लेके जाता हूँ तुम्हें वहाँ पे दिखाने के लिए कि इस गाड़ी को कहाँ से लोगी, और इसके
कमेंट सेशन में सभी के सभी बताओगे कि इस गाड़ी का मैं प्राइस क्या रखूं, जिस प्राइस में मैं इस गाड़ी को सेल करूंगा वो उसी प्राइस पे सेल होगी, क्योंकि आप सभी का ही, आप सभी से ही प्राइस लेके इसको सेल करूंगा, क्योंकि मेरे को आगे और भी बहुत सारी गाड़ियां खरीदनी है और भी बहुत बड़ा बिजनेस बैठाना है हमारा, जो लेस्टर ने हमारे साथ धोखा किया है गाइस उससे भी बदला लेना है। ये चीज़ याद रखना, लेस्टर का बदला पक्का होएगा, पक्का। लेस्टर के चक्कर में मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, भूल गया था, तो एक सेकंड में पीछे की तरफ लेता हूँ और यहाँ से मेरे को लेना है लेफ्ट की साइड। बाय द वे इस गाड़ी में से इतनी नाइट्रो प्यारी वाली निकलती है ना ब्रो, इसके अंदर फैन हो गया मैं इस गाड़ी का सीरियसली। चलो यहाँ से निकल के लेके चलते हैं और ये वाली जगह है जो जहाँ पे गाड़ी की मार्केट लगती है, तो यहाँ पे तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ इधर का पार्किंग। ओह माय गॉड, यहाँ पे फुल एकदम खचाखच भरी रहती है गाड़ियाँ। तो यहाँ पे मेरे को ले जाके ना ये फरारी सेल करूंगा गाइस, इस जगह पे फरारी सेल होगी, यहाँ पे सबसे बड़े बड़े डीलर आएंगे शहर के।